और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है संदीप सामल और हम लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं आज रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए। किस चीज़ के बारे में? नाबार्ड एग्ज़ाम में। ओके, नाबार्ड एग्ज़ाम में रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए हम लोग जुड़ गए हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट जो है एक बार लाइक कर दीजिए एंड जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशंस मिलता रहे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर नाबार्ड। ठीक है, सो तो रूरल डेवलपमेंट ऑफ नाबार्ड में आपको पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली व्हाट डू यू हैव टू स्टडी इन केस ऑफ इन द रूरल डेवलपमेंट पोर्शन ऑफ नाबार्ड, एक बार उस पर नजर डालते हैं हम लोग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एरिया। ना व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एरिया? ठीक है, रूरल एरिया तो सबको पता है, सबके सब लोग जो है गांव घूमे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है रूरल एरिया का? बेसिकली आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ना है यहाँ पे कि रूरल एरिया क्या है। ठीक है, क्या क्या रूरल एरिया में यूजुअली बेसिक एम्यूनिटीज प्रेजेंट होते हैं, क्या नहीं होता है, क्यों एग्जैक्टली वो रूरल एरिया कहा जाता है, क्यों अर्बन एरिया नहीं कहा जा सकता है। ओके, व्हाट इज द बेसिकली डिफरेंस क्या है यहाँ? ओके, सेकेंड वन इज इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द रूरल सेक्टर इन इंडिया, दैट इज इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक। ठीक है, तो इंडिया में जो रूरल सेक्टर है उसका एग्जैक्टली इम्पॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, सोशल इम्पॉर्टेंस क्या है, डेमोग्राफिक मतलब बेसिकली जो पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन, उससे रिलेटेड हम देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। ओके, एज फार एज द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इज कल्चर, बेसिक इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पॉर्टेंस बेसिकली द कल्चर, द टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ देयर लिविंग्स। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानना है रूरल सेक्टर के बारे में। अब नाबार्ड में ये सब चीज़ पढ़ने की जरूरत क्या है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स इन नाबार्ड? ओके, हेलो आकृति, हेलो मंजुलता, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। ओके, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टडिंग ऑल दिस थिंग्स इन नाबार्ड? नाबार्ड इट्सेल्फ का क्या मतलब है यहाँ पे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इजंट इट? सो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की जब हमें बात आती है तो हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, रूरल सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता होगा तो फिर कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चेंजेस हम ला सकते हैं, क्या डेवलपमेंट्स ला सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा? तो ये सब जानना जरूरी है, राइट? नेक्स्ट, हाय अंशु, वेलकम टू द सेशन। सो जब हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, बेसिकली उसका उनका इकोनॉमिक लाइफ क्या है, रूरल सोसाइटी का सोशल लाइफ क्या है, ओके, क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं रहता है, क्या इश्यूज देखने को मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए बेसिकली रूरल सोसाइटी और रूरल इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद ही यू कैन एम फॉर सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हो, ठीक है, आप जो है कॉलेज में हो, कोई प्रोजेक्ट करने वाले हो, अगर आपको पहले से पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली आपको प्रोजेक्ट करना किस चीज़ पे है तो फिर आप प्रोजेक्ट करोगे कैसे, राइट? अगर आपको यही नहीं पता होगा कि प्रोजेक्ट किस चीज़ पे करना है तो प्रोजेक्ट करने में बड़ा दिक्कत होगा, इजंट इट? सो आपको लाइक एक सर्वे जैसा, एक प्रोजेक्ट से पहले एक काइंड ऑफ प्री टेस्टिंग जैसा कुछ करना पड़ता है विच विल हेल्प यू नो दैट हाँ आगे मैं जो चीज़ करने वाला हूँ दैट्स द करेक्ट वे फॉर परफॉर्मिंग दैट थिंग और नॉट। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जब हम एक स्कीम के बारे में बात करते हैं या फिर कोई भी सब्सिडी के बारे में बात करते हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिकली क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए का मतलब है, मतलब जो हम स्कीम में ऐड कर रहे हैं, जो सब्सिडी हम देने वाले हैं, क्या वो रूरल इकोनॉमी में उसकी नीड है? अगर उसकी नीड नहीं है तो फिर वो क्या चीज़ की नीड है, जो वो क्या चीज़ है जिसकी नीड है यहाँ पर? ठीक है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट ऑल काइंड ऑफ लैकुनेस हियर। ठीक है, आपको पहले सिचुएशन, आपको पहले क्या बोलते हैं सिचुएशन देखना है, उसको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन अ रूरल सोसाइटी। ओके, सो गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है देन काइंडली लाइक द वीडियो, ओके, एंड डू शेयर इट। सो इसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारे पास है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? ओके, अगर मैं जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, सो बेसिकली जो रूरल पॉपुलेशन है, ओके, द पीपल इन द रूरल सोसाइटी, ओके, व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू, राइट? व्हाट एग्जैक्टली डू दे डू फॉर अ लिविंग? ठीक है, सो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स,
ट्रेडर्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स या फिर ट्राइब्स, मतलब जो लोग फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स लाइक कुछ चीज़ों का लीव्स, फॉर एग्जांपल आप देखे होगे ना लीव्स में कहीं कहीं पे खाने के लिए दिया जाता है, सो वो लीव्स कलेक्ट करते हैं या फिर कुछ और कलेक्ट करते हैं और फिर उसको जो है फाइनली बेचते हैं. सो ये सब चीज़ जो है चाहिए. ओके प्रणव कुमार सिंह, वेलकम टू द सेशन. मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी से ही स्टार्ट कर रहा. फर्स्ट ईयर में मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में हो आप, या मतलब जो भी है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, अच्छी बात है. अगर आप अपना जो गोल है, अपना जो अचीव करना चाहते हो, अगर आप अभी से ऑलरेडी आपका सेट है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है. आपको स्टार्ट करना भी चाहिए, नो इश्यूज इन दैट. ओके चलिए. सो फॉरेस्ट ड्वेलर, ट्राइब्स एंड अदर्स इन रूरल इंडिया, मतलब रूरल इंडिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, उसके बाद जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, बेसिकली उनके पास लैंड नहीं है तो दे वर्क एज लेबरर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है. इसके बाद यू हैव आर्टिजन्स, ठीक है. आर्टिजन्स यहाँ पे क्या है, जब हम लोग आर्टिजन्स के बारे में देखते हैं, मतलब बेसिकली जो छोटे जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं जहाँ पे लाइक कोई पॉटरी है, ठीक है, कोई पॉटर है, बेसिकली वो कुछ भी बना रहा है, अर्दन पॉट बना रहा है या फिर कुछ भी बना रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी काइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, लाइक जो आप देखते हो जब भी लाइक काइंड ऑफ फेयर्स वगैरह स्पेशल मार्केट्स लगते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं मिलता रहता है, ठीक है. तो ये सब जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट, जैसे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं, ठीक है. सो ये जो रूरल स्ट्रक्चर है, ओके, ये जो रूरल इकोनॉमी है, ये जो रूरल सोसाइटी है, यहाँ पे किस तरह से ये इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, मतलब जो रूरल सोसाइटी है इनका वहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे कि क्या पोजीशन है वहाँ पे, ठीक है, ये आपको देखना है. देन द लास्ट वन इज ट्रेंड्स ऑफ चेंज इन रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्कफोर्स, प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ रूरल लेबर, ठीक है. अगर हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो रूरल पॉपुलेशन है या फिर जो रूरल वर्कफोर्स है उसमें क्या चेंजेस हैं, ठीक है. मान लीजिए पहले के टाइम में क्या होता था, लोग अपने फील्ड में रहते थे, अपने फील्ड में एग्रीकल्चर का काम करते थे या फिर क्या करते थे, यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लेबरर हैं जिनके पास फील्ड नहीं होता था तो वो लोग दे यूज़ टू वर्क एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर. तो अभी क्या हो रहा है ना, जो ये टोटल वर्क फोर्स है दिस इज शिफ्टिंग टूअर्ड्स द अर्बन कम्युनिटी, मतलब हम शहर जाएंगे कोई फैक्ट्री में काम कर लेंगे लेकिन हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे. क्यों नहीं एग्रीकल्चर करेंगे, मे भी कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा होगा, मे भी कोई सब्सिडी नहीं मिल रहा होगा. सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहते हैं, ठीक है, यही जो है रीज़न होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स में क्रॉप फेल्योर का. तो ये सब बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो रूरल वर्क फोर्स है या फिर जो रूरल पॉपुलेशन है दे आर ग्रेजुअली स्टार्टिंग टू मूव टूवर्ड्स द अर्बन कम्युनिटी और द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ अ डेली वेज जॉब, ठीक है. तो ये सब चीज़ जो है आपको देखना है. इसके बाद प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ द रूरल लेबर, ठीक है. तो रूरल लेबर के प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस क्या रहते हैं यहाँ पे, ओके, ये भी आपको देखना है. सो ये भी चीज़ आपको देखना है कि मान लीजिए एक बस एग्जांपल लेते हैं कि एक जगह पे जो है फॉर एग्जांपल इनपुट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट इनपुट मार्केट. क्या है इनपुट मार्केट, मतलब एक मार्केट जहाँ पे सीड्स मिलेंगे, फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, पेस्टिसाइड्स मिलेंगे, मशीनरीज एट्सेट्रा, ठीक है, छोटे छोटे इम्प्लीमेंट सब कुछ मिलेंगे, ये एक इनपुट मार्केट है, ठीक है. अगर एक जगह पे प्रॉपर इनपुट मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर आप इशू क्या होगा, इशू यहाँ पे ये होगा कि जो फार्मर का इंसेंटिव रहता है ना कि यार मुझे काम करना है, आप ही देख लो, आपको कोई काम स्टार्ट करना है लेकिन आपको उसके लिए जो सामान चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो सिंपली आप भी डीमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है. तो सेम कंडीशन जो है फार्मर के साथ भी होता है. सर आपका क्लास का यही टाइम होता है सिर्फ, नहीं, सो ये जो क्लास है ये आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 PM पे है एंड बाकी जो 6 डेज हैं मंडे टू लेके सैटरडे वहाँ पे है 7:30 PM. 7:30 PM पे शॉर्ट सेशन होता है, ठीक है. और जो ये है ये कंप्लीट लाइक स्टार्ट हुआ है नाबार्ड के लिए, इसके 2 क्लासेस हो चुके हैं. फर्स्ट क्लास इसका हुआ था लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक हुआ था. एंड जो इसका सेकेंड क्लास है वो आज हुआ था, ठीक है, जो सेकेंड क्लास है वो आज हुआ था. कल होगा या नहीं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर कल होगा तो फ्राइडे नहीं होगा, और अगर
फ्राइडे होगा तो कल नहीं होगा, ठीक है, सॉरी अगर फ्राइडे, हाँ कल अगर होगा तो फ्राइडे नहीं होगा, और अगर हाँ यही है ठीक है फ्राइडे मतलब कल तो होगा आई थिंक, ठीक है कल जो है होगा, फ्राइडे को जो है आपका सेशन आप यहाँ पे नहीं होगा। तो इस हफ्ते में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की जगह हमारा क्लास कब हो रहा है, वेडनेसडे थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है 3 PM। तो 3 बजे जो है हफ्ते में 3 दिन एग्रीकल्चर होगा, 3 दिन जो है आपका ESI का सेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट मार्केट, सेम चीज़ है, आउटपुट मार्केट मतलब जहाँ पे आप अपना प्रोड्यूस सेल करने जाओगे। अगर आपको मार्केट के बारे में आइडिया नहीं होगा कि आपको प्रोड्यूस सेल कहाँ करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डिमोटिवेट हो जाओगे फिर से कि यार मुझे तो यही नहीं मालूम है कि मुझे अपना प्रोड्यूस सेल कहाँ करना है, तो मैं कैसे सेल करूँ, ठीक है मैं जो चीज़ प्रोड्यूस करूँगा उसके लिए मुझे सही मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब जो कन्फ्यूजन्स रहता है ना, ये यूजुअली रूरल इकोनॉमी में चलते रहता है, ओके। और इसी के साथ जुड़ जाते हैं यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आपने तो देख लिया कि इश्यूज़ क्या हैं, ओके अब इश्यूज़ के साथ साथ आते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बेसिकली क्या क्या वो प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ जो है आपको देखना है, क्लियर। सो ये था आज का शॉर्ट सेशन ऑन रूरल डेवलपमेंट, कल कोई दूसरे टॉपिक के बारे में देखेंगे, ओके। एंड एज फार एज द बैच इज कंसर्न, मैं आपको जस्ट अ मिनट, मैं आपको बैच के बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। सो आपको जाना है अड्डा 247 के वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप अड्डा 247 के वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर आपको मिलेगा, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो नाबार्ड, या फिर ऐप पे जाओगे तो स्टोर में मिलेगा आपको नाबार्ड। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक फिर 2 बैचेस दिखेंगे, यहाँ पे कंप्लीट बैच और एक मेरिट सेक्शन बैच। पहले मैं कंप्लीट बैच के बारे में बताया था, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ARD है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, GA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। आपको परचेज करने के लिए यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जाना है, या फिर आप बाय नाउ पे भी जा सकते हो। आपको अपना ईमेल आईडी जो है उसको देके यहाँ पे साइन इन करना है, और यहाँ पे आपको कोड लगाना है Y291, ओके Y291 का कोड लगाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये बैच जो है 2299 में, ठीक है 2299 में जो है ये बैच आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आपको अगर मेरिट सेक्शन का बैच चाहिए, मतलब आपके पास रीजनिंग या फिर मैथ्स का कोई बैच है ऑलरेडी, इंग्लिश का भी बैच है, इंडिविजुअल बैच, जो आपको सिर्फ जो है मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट्स चाहिए, ARD, ESI एंड जनरल अवेयरनेस, तो आप ये बैच देख सकते हो। ये कंपैरेटिवली यहाँ पे इसका जो प्राइस है यहाँ पे कम रहेगा। यहाँ पर वही चीज़ है कि आप जो है अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो एंड Y291, ठीक है Y291 कोड है, ध्यान रखिएगा। एंड द बैच इज 1379 रुपीज़, ठीक है दोनों बैचेस अवेलेबल है यहाँ पे, आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो यहाँ पे। 2 दिन ऑलरेडी, आज सेकेंड डे था इस कोर्स का, ठीक है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, 2 चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आपको एनरोल करना है तो लेट मत कीजिए, फटाफट जो है इसको एनरोल कर दीजिए, ठीक है। एनीवेज सो ये था बैच के बारे में, आई होप सो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग दिस। एंड आज के सेशन की अगर हम बात करेंगे तो दिस सेशन इज डन। अ वेरी गुड इवनिंग सोम्या, वेलकम टू द सेशन, ओके। सो ये था ओवरव्यू ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो, ओके। इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, इसकी वैलिडिटी भी देख लेते हैं कब तक रहेगी। आई थिंक अभी के लिए इसकी जो वैलिडिटी है, लेट्स सी, या दिस पैक इज अ पार्ट ऑफ डबल वैलिडिटी कैंपेन। अभी के लिए तो डबल वैलिडिटी है, ठीक है अभी के लिए जो है यहाँ पे आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा, जो भी आई थिंक 6 मंथ्स का नॉर्मल वैलिडिटी रहता है या फिर 1 साल का जो भी इसका वैलिडिटी रहेगा, ये डबल हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। हाँ वैलिडिटी 12 मंथ्स है, ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है जब ये डबल वैलिडिटी होगा तो 24 मंथ्स के लिए जो है ये बैच आपका एलिजिबल हो जाएगा। दूसरा फुल बैच भी वही है कि 24 मंथ्स के लिए जो है इसकी वैलिडिटी हो जाएगी, क्लियर। आई होप सो आपके सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। नाबार्ड ग्रेड ए क्या है, ग्रेड ए एक जॉब है, ठीक है अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म फिलिंग जो है इसकी ऑलरेडी चल रही है, आप चाहो तो फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक जो है इसका एप्लीकेशन चलते रहेगा, ओके। सो अगर मैंने एनरोल किया तो कर लीजिए, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप एनरोल कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है मैनेजर पोस्ट के लिए।
क्लियर, ये एग्रीकल्चर है। देखो नाबार्ड ग्रेड ए में आपके जो है कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट में तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मेरिट सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो मार्क्स है ना वो इसी सब्जेक्ट से बनने वाला है। क्या है ये सब्जेक्ट्स? ये सब्जेक्ट यहाँ पे है आपके ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। 40 मार्क्स ARD, 40 मार्क्स इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, 20 मार्क्स जो है GA है, ओके। सो मेरिट बैच के लिए, बाकी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में, ठीक है। वो 100 मार्क हैं और ये 100 मार्क है, वो 100 मार्क क्वालिफाइंग है और ये 100 मार्क में आपका फेज 2 के लिए नंबर बनेगा, ठीक है। सो जब आप बात करते हो यहाँ पे मेरिट सेक्शन में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, सो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाला सेक्शन जो सेक्शन है ये मैं डील करने वाला हूँ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नाबार्ड ग्रेड ए बैच, क्लियर। सो तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जब भी नेक्स्ट सेशन होना रहेगा, ओके। सो आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ओके। एग्रीकल्चर बाय संदीप सामल टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं सारे नोटिफिकेशंस जो हैं आप लोगों को देते रहता हूँ रिलेटेड टू द अपकमिंग यूट्यूब वीडियोज एज वेल एज बैचेस, क्लियर। इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ओके। इसमें फेज 1 है जो कि प्री कह सकते हो, फेज 2 है जो कि आप मेंस कह सकते हो, और फिर इंटरव्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 फेजेस हैं, अगस्त के 1st वीक तक ही आई थिंक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो अगर आपको भरना है तो फिर जल्दी भर दीजिए, और अगर हमारे साथ तैयारी करनी है तो फटाफट जो है बैच में एनरोल कर लीजिए, चाहे कंप्लीट बैच हो चाहे मेरिट बैच हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप सो सारे के सारे आपके जो ओके, सो आई थिंक आपके सारे के सारे यहाँ पे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। बैंक PO के लिए बैंक PO वाले फैकल्टी के पास जाइए, वो आपको बताएंगे, ओके। बैंक PO में कौन सा अच्छा होना चाहिए, कौन सा पूरा होना चाहिए, क्लियर। सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।